देखिए अभी तक आप लोग पढ़े होंगे, एक होता है कलेक्टिव नाउन, सुने होंगे आप लोग, है ना। तो कलेक्टिव नाउन मतलब कि होता है, तो उसमें क्या होता है कि एक खास तरीके के वस्तुओं का संग्रह। मतलब कि क्या, जैसे होता है कि गायों का समूह, है ना, जो भी पृथ्वी नदियों का समूह, ये सभी आपको जो भी समूह कहलाता है वही आपका हो जाता है सेट। सेट कहने का मतलब समान प्रकार के, मतलब कि कोई भी चीजें हैं जो समझ, जैसे क्लास 9 के बच्चों का संग्रह, क्लास 10 का बच्चों का संग्रह, है ना, जिले में टॉप करने वाले बच्चों का संग्रह, जो भी है, मतलब कि कहा जाए एक तरीके से जो खास गुण धर्म हो और उनको एक संग्रहित रूप दे दिया जाए, तो यही आपका कहलाता है सेट। तो सेट का यही डिफिनेशन हो गया। अगर आपको बोलेगा कि भैया बताइए, एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा कि बताइए कि सेट की परिभाषा क्या है, तो जहां भी परिभाषा देने की बात करिएगा तो परिभाषा जो सेट का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि समान प्रकार के वस्तुओं का समग्र समुच्चय कहलाता है। समुच्चय मतलब कि सेट कहलाता है। ये तो एकदम क्लियर हो गया कि मतलब कि ऐसी वस्तुएं जिनका गुण धर्म समान हो, जिनकी खूबियां समान हो, जो कॉमन आदत फॉलो करते हैं, उनका संग्रह ही आपको कहला जाएगा आपको सेट या समुच्चय। अब जैसे उदाहरण की बात करते हैं, भाई उदाहरण के लिए देखा जाए, ऐसे आप मन में एग्जाम्पल सोच ही सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो गया, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। मतलब कि क्या, जो 10 से कम है विषम है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। इसमें कौन कौन अगर हम लोग चाहे तो दे सकते हैं भाई, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं में, तो भाई विषम बोला है ना, तो दे सकते हैं 1 भी दे सकते हैं, उसी तरह से 3 भी हो जाएगा, उसी तरह से हो जाएगा 5 भी हो जाएगा, है ना, उसी तरह से 7 भी हो जाएगा, उसी तरह से 9 हो जाएगा। यानी इन सभी का मतलब एग्जाम्पल, ये आपको क्या कहलाता है, एक एग्जाम्पल हो गया, जो सन्नी भी चला गया था, तो यही आपको क्या कहलाता है, तो सेट कहलाता है। दूसरा अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हमने बताया था, जैसे मान लेते हैं कि क्लास 9 में बच्चों का समूह, क्लास 10 में बच्चों का समूह, उसी तरह से दूसरा वाला एग्जाम्पल हो गया क्या, भारत की नदियां। तो भारत की नदियां जो भी होगी, गंगा जमुना सरस्वती जितनी भी नदियां हैं, उन नदियों का एक समूह जो बोला जाएगा वही समूह आपको क्या होता है, तो वही समुच्चय कहलाता है। या दूसरी तीसरी चीज, एक और चीज देखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो जब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कहिएगा तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर आपका क्या क्या हो जाता है, तो AEIOU। तो यानी ये 5 ही हैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो इनका जो समूह कहलाएगा वही भी आपको क्या कहला जाएगा, तो सेट कहला जाएगा। तो ये चीजें आपको रहेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं भाई, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि भाई बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे क्लास 9 में बच्चों का समूह, हमारे पास जो पढ़ रहे हैं उनके बच्चों का समूह, ये सभी आपको समूह ही क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। हम लोग जो समूह पढ़ते थे पहले, वही आपका अगर इंग्लिश में पढ़ा जाए, 11th में पढ़ाया जाए, तो वही आपका सेट कहलाता है। मतलब एक तरह से दिमाग में जो डिफिनेशन होता है, जो परिभाषा होता है, वो हमेशा क्लियर रखिए। क्यों क्लियर रखिए, रटिएगा तो कभी कंफ्यूजन में आ जाइएगा, कहीं एग्जाम में भुला जाइएगा कि अच्छा ये सिर्फ लिखाए थे, नहीं। लेकिन अगर समझ के रखिएगा तो परीक्षा में भी अगर आ जाएगा तो 4 लाइन अपना मन से लिखिएगा, अच्छा से एग्जाम्पल देके लिख पाइएगा। यही आपका पढ़ने का तरीका होना चाहिए कि जो भी पढ़े तो दिमाग में पढ़े, ताकि उसका एग्जाम्पल क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल क्लियर हो जाए तो 4-5 स्टेटमेंट अपना मन से भी हम चाहे तो लिख सकते हैं। अब आता है आपका, जैसे कि क्या, अब मैथ में बात बोला जाए तो मैथ में जो अगर देखा गया समूह, ये तो रियल का लाइफ का एग्जाम्पल हो गया। तो भाई 10 से ये भारत की नदियां, है ना, भारत के समुद्र, ये सभी तो रियल लाइफ का एग्जाम्पल हो गया। जो मैथ में पढ़ेंगे, क्लास 11th क्लास में पढ़ेंगे, तो वो हो जाएगा कि यहाँ पे पढ़ना है, यही है। जैसे आपको आ जाता है कि यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, गणित में प्रयोग किए जाने वाले मूलतः समुच्चय, जिसे आपको पढ़ना है, गणित में प्रयोग किए जाने वाले मूलतः समुच्चय के बारे में। तो ये मूलतः समुच्चय कौन कौन है, तो देखिएगा भाई, गणित में प्रयोग किए जाने वाले जो मूलतः समुच्चय हैं, तो कौन कौन है भाई, तो ये हो गया जैसे कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। मतलब क्या, जैसे गणित में जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं, तो प्राकृत संख्याओं का जो ग्रुप हो जाएगा, तो वही ग्रुप ही आपको क्या कहला जाएगा, तो सेट कहला जाएगा। तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, अब इसको एग्जाम्पल में भी आप लिख सकते हैं कि एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको एग्जाम्पल देना रहे
एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में जैसे क्या आप दे सकते हैं भाई, हमें बताइए कि प्राकृत संख्याएं कौन कौन हैं, थोड़ा बता सकते हैं आप, बताइए तो अमन। हाँ बताइए तो, कोई भी प्राकृत संख्याएं कौन कौन हैं, आप ही से पूछेंगे, बताइए। एक दो तीन चार पांच, हाँ, एक दो, दो तीन चार पांच, जहां तक हाँ यही सब, तो इन सभी का जो समूह गिनती की कहलाएगा, संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हाँ ये सभी जो समूह में कहला जाएगा, ये बढ़ते चला जाएगा, तो ये सभी का समूह भी क्या कहला जाएगा, एक समुच्चय कहला जाएगा। लेकिन एक बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो आपको ध्यान रखना चाहिए, जो समुच्चय का जो नाम रखेंगे ना, वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखेंगे, है ना, और जो उसके अंदर जितने भी अवयव लिखेंगे वो स्मॉल लेटर से लिखेंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। ये लिखने का तरीका होता है कि कैपिटल से लेटर से उसका जो ग्रुप का नाम है वो कैपिटल लेटर से, और उसमें अवस्थित अवयव जितने भी होंगे वो आपको स्मॉल लेटर से होंगे। उसी तरह से अगर देखा जाए पूर्णांकों का समुच्चय, तो भाई देखिएगा, ये फिक्स है कि भाई प्राकृत संख्याओं का जब भी समुच्चय की बात करेगा तो उसको हमेशा बड़ी एन से लिखते हैं, बड़ी एन से डिनोट करते हैं, या बड़ी एन के रूप में व्यक्त करते हैं। जब भी प्राकृत संख्याओं के बारे में बोलेगा, समुच्चय के बारे में बोलेगा, या ऐसे भी समझ ले तो मतलब कि उसको कैपिटल एन से लिखते हैं। अब उसी तरह से पूर्णांकों का समुच्चय है ना, जैसे पूर्णांकों का समुच्चय, तो बताइए तो पूर्णांक में कौन कौन हो जाएगा भाई, पूर्णांक में कौन कौन हो जाएगा, जरा बताइए तो। पूर्णांक का एग्जाम्पल हम क्या क्या दें, जो हाँ पूर्णांक का एग्जाम्पल क्या देंगे, जरा बताइए, आप ही लोग से पूछ रहे पी बटे क्यू के रूप में हो सर, हैं। दो बटे चार नहीं, नहीं, वो तो परिमेय संख्या हो गया ना, होल नंबर। माइनस दो माइनस एक। ओ हाँ हाँ सॉरी सॉरी, हाँ हाँ माइनस हाँ एक, हाँ जीरो हाँ एग्जाम्पल वन, अगर, हाँ 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 सही है, एग्जाम्पल अगर बोलेगा तो माइनस एक, माइनस एक, हाँ दो, हाँ ऐसा ही जो भी है, जीरो भी हो सकता है, फिर उसके बाद हो जाएगा हाँ एक, दो, तीन, हाँ चार, अच्छा ये सभी चीजें आपको जो भी बढ़ते चला जाएगा, तो ये इसका पूर्णांकों का समुच्चय। ये चीज हमेशा एक बात ध्यान देना होगा कि जब भी पूर्णांकों का समुच्चय होता है तो उसको हमेशा हम लोग जेड से निरूपित करते हैं, ठीक है, तो ये बात हमेशा हम अगले वाले क्लास में पूछेंगे भी कि बेटा बताइए कि पूर्णांकों के समुच्चय को किस संख्या से, किस लेटर से निरूपित करते, तो आपको बोलना होगा जेड। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को किस संख्या, किस लेटर से निरूपित करते हैं, तो वो बोलिएगा एन। तो उसी तरह से आगे देखिएगा कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय, तो आपको बताना होगा कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय, अब इसमें कौन कौन एग्जाम्पल देंगे, परिमेय संख्या में कौन कौन हो जाएगा, जरा हमें बताइए तो परिमेय संख्या में कौन कौन एग्जाम्पल हो जाएगा, परिमेय संख्या बताइए, ये हिंदी में ही है, बताना तो चाहिए दो बटे आप। छ, हाँ दो बटे चार, हाँ एक बटा दो, दो ऐसे सरल रूप में लिखेंगे, एक बटा दो, उसी तरह से हो जाएगा जो दो बटा तीन जो भी हो जाएगा, हाँ उसी सर, तरह से 3/4 तीन जितना भी बटे होगा, चार, हाँ यहाँ ये सभी बढ़ते जाएगा तो उसे हम लोग का एग्जाम्पल दे देंगे, तो परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो परिमेय संख्याओं को हम लोग निरूपित करते हैं इससे। अब उसके बाद होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यानी रियल नंबर। अब वास्तविक संख्याओं में कौन कौन हो जाएगा, अब वास्तविक संख्याएं ये भी आप लोग पढ़े होंगे, तो बताइए तो वास्तविक संख्या में कौन कौन हो जाएगा भाई, बताइए तो। अनुराधा यस सर, बताइए वास्तविक संख्या में कौन कौन हो जाएगा, दो, तीन, चार, दो, 1/2, हाँ ये कहने का मतलब हो गया बेटा, देखो सारे लोग चुप हो गए, अमन भी चुप हो गया, बाकी सारे लोग चुप हो गए, अभी तक ये सब जितने भी नहीं जान, सर पता है, वास्तविक हाँ तो बताइए कुणाल, बताइए वास्तव, संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों सम्मिलित होता है। हाँ उसमें परिमेय भी हो गया और अपरिमेय भी संख्या सम्मिलित हो गया, तो उसको हम लोग वास्तविक संख्या कहेंगे। जैसे जैसे 3.14 हो गया ना, तो वो सभी जितने भी लिखते हैं वो सभी, जैसे इसमें अगर देखा जाए तो √2 भी हो जाएगा और सारा इसमें आपको मिल जाएगा, मतलब कि क्या, जैसे अपरिमेय संख्या, जैसे 3.14 हो गया, कुछ भी है, सॉरी एग्जाम्पल देते, 3.14 हो गया, 13 कुछ भी है, 2.57 हो गया, है ना,
या इसको कह लीजिए 2/5 कह लीजिए, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जितनी भी संख्याएं हो जाएंगी वो सभी आपका मतलब कि इसमें आ जाता है। किसमें भाई? तो वास्तविक संख्याओं में हो जाता है। और इसी को हम लोग लिखते हैं कैसे भाई? तो मतलब कि आर से लिखते हैं। तो ये बात को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि एक बात ध्यान देना पड़ेगा कि भाई अगर क्लास रहता तो 4 बार हम रटवा करके सुनावा भी देते हैं कि भाई अच्छा ये बताइए कि अब याद हो गया होगा तो प्राकृत संख्याओं का समुच एन से, पूर्णांकों का समुच जेड से, परिमेय संख्याओं का समुच क्यू से और वास्तविक संख्याओं का समुच हो गया आर से। हाँ, अब ये चीज ध्यान हो गया क्या माइंड में? देखिए तो एक बार आप लोग सभी लोग देख लीजिए ध्यान से, अभी थोड़ा देर में हम पूछते हैं, माइंड में हो गया क्या? हो गया ना, तो देख लीजिए ये चीज आपको हो जाएगा कि प्राकृत संख्याएं मतलब कि एन से हो गया, आपको वास्तविक संख्याएं आर से, पूर्णांक जेड से और परिमेय संख्याएं क्यू से। अच्छा अब आप बता ही दीजिए, चलिए बताइए तो बाबू वास्तविक संख्याएं किसे निरूपित करते हैं? वास्तविक संख्या R से, ठीक है। परिमेय संख्या, हाँ परिमेय संख्या है, क्यू से, हाँ क्यू से सही है। और बाकी तो हो ही गया पूर्णांक, हाँ बाकी तो हो ही गया। अब प्राकृत संख्या तो हो गया एन से और पूर्णांक किसे हो गया? पूर्णांक जेड से, हाँ जेड से, जेड से। चलिए ये तो अभी भी याद हो गया, चलो अभी इसको होमवर्क करने का भी जरूरत नहीं है, याद हो गया आपको। अब जो आता है आगे देखते हैं, देखिए चलिए अब जेड प्लस कहने का मतलब क्या हो गया? जेड प्लस हो गया धन पूर्णांक, मतलब क्या? जो 1, 2, 3, 4 जो धन पूर्णांक है। क्यू प्लस मतलब कि क्या? धन परिमेय, ये वाला देख रहे हैं, इसका माइनस अगर वाला हो जाता तो माइनस क्यू करते और प्लस क्यू कह रहा है, इसका मतलब धन परिमेय हो गया। और उसके बाद आर प्लस कहने का मतलब क्या? धन वास्तविक संख्या, यही अगर माइनस में रहता तो आर माइनस और आर प्लस, ये चीज इसमें निरूपित किया। एन प्लस माइनस का जरूरत ही नहीं है क्योंकि एन में सिर्फ जो भी रहेगा वो प्लस वाला ही वैल्यू रखेंगे, तो एन का तो खैर लिखने का जरूरत ना है। अब जो आपको बेसिकली जो पढ़ना है तो क्या पढ़ना है भाई? देखिए मैथ्स में तो ये तो अब एक चीज आप समझ में आ गए, समुच्चय किसे कहते हैं वो समझ में आ गया कि समूह हो गया। समुच्चय मतलब कि एग्जांपल भी दे सकते हैं, नदिया, ये मैथ के टर्म में एग्जांपल, ये सामने जो दिख रहा है। अब बेसिकली आता है कि भाई कोई भी जिसे कुछ आता है तो लिखने का तरीका होता है कोई भी चीज को, कि भाई इसको कैपिटल से लिखेंगे या स्मॉल से लिखेंगे या जो भी, ये सेट को कितना तरीका से लिखा जा सकता है, तो यही जो है इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए होता क्या है, देखिए अब एक होता है कि यहाँ पे रोस्टर या सनिर्बध कहा जाए, निर्बध रूप कर दिया है इसको, निर्बध कहा जाए इसको, हिंदी इंग्लिश में करके लिख देते हैं, हिंदी में पता नहीं कैसे लिखते हैं लेकिन हम इसको आप लोग ऐसे देखते होंगे तो निर्बध होता है, निर्बध, निर्बध रूप से कहा जाता है कि इसको भाई हम लोग निर्बध करते हैं, ये हो गया। तो आप उसको हिंदी में अगर लिखिएगा तो लिख लीजिएगा भाई, क्योंकि उसको लिखने में थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम था, हिंदी वाला थोड़ा सा कमजोर है, तो इसको निर्बध पढ़ते हैं, सनिर्बध ऐसे जो भी लिखा गया कि रोस्टर या निर्बध तरीके से। और दूसरा होता है क्या, वो समझा देंगे निर्बध जो भी होता है। और दूसरा होता है समुच निर्माण तरीके से, समुच निर्माण रूप से। तभी जो फिलहाल हम लोग जो पढ़ेंगे, यानी दो तरीका है, निर्बध तरीका यानी सनिर्बध तरीका जो भी कह लीजिए, या समुच निर्माण तरीका, मतलब किसी भी सेट को हम लोग दो तरीके से निरूपित कर सकते हैं, मतलब उसके जो भी अवयव हैं उसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। कौन कौन दो तरीका है भाई? तो एक हो गया रोस्टर तरीका, ज्यादा हम लोग बोलचाल की भाषा में किताब में जो देखिएगा ना बेटा वो आपको रोस्टर ही आएगा कि रोस्टर तरीके से बताइए, ऐसे हिंदी में निर्बध हो गया या सनिर्बध भी कह सकते हैं, तो वो हो गया। और दूसरा तरीका है आपका कि समुच निर्माण तरीका, समुच निर्माण तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो अब इसके बाद जो है आपको देखा जाए, देखिए पहले हम लोग बात करते हैं रोस्टर तरीका जो अभी हम लोग देखे, तो रोस्टर तरीका क्या हो जाता है? देखो बेटा रोस्टर तरीका निर्बध जो होता है, निर्बध कर देते हैं, निर्बध इसको चेंज कर देते, देखिए ऐसे ही कर देंगे ना, निर्बध हो गया, यही हो जाएगा, निर्बध हो जाता है, सनिर्बध तरीका जो भी है, सनिर्बध है ना, हाँ सनिर्बध हो जाएगा, निर्बध ये हो गया सनिर्बध तरीका। अब उसके बाद हो जाता है सनिर्बध कर दिए हैं। देखिए उदाहरण के लिए क्या होता है, उदाहरण
तो उदाहरण के लिए देखिएगा कि जैसे मान लेते हैं कि जैसे अवयव जो भी है उसको कुछ नहीं करना है, उसको सीधा सीधी चुपचाप लिख देना है मिडिल ब्रैकेट के अंदर। ये चीज ध्यान रखिएगा, स्मॉलर ब्रैकेट या कैपिटल ब्रैकेट हम लोग नहीं देते हैं। जब भी अगर अवयव को उसके अंदर लिखना होगा तो मध्यम कोष्ठ के रूप में ही लिखा जा सकता है, मतलब मध्यम कोष्ठ देंगे और बीच बीच में कॉमा दे करके लिखा जा सकता है। मतलब क्या, रोस्टर या निर्बत तरीका में क्या हो गया कि जो भी अवयव है उसको कॉमा कॉमा दे दे करके उसको मतलब कि मिडिल ब्रैकेट के रूप में हम लोग लिखेंगे। जैसे एग्जांपल में क्या हो गया भाई, जैसे एग्जांपल में हो गया, जैसे आपको दे दिया भाई 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय लिखिए, तो बताइए कि 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या क्या है। तो आपको बताना है किस तरीके से भाई, तो रोस्टर विधि से बताना है, सनिर्बत तरीके से बताना है। तो हम लोग कैसे लिख देंगे, रोस्टर तरीका या सनिर्बत तरीका में क्या हो जाता है, एक बार फिर से बता देते हैं कि जो जो अवयव है उसको उसी तरीके से लिख देते हैं बिना कुछ छेड़छाड़ किए हुए। मतलब क्या, अगर 2, 3, 4, 5 है तो मध्यम कोष दे करके 2, 3, 4, 5 ऐसे करके लिख देंगे। मतलब क्या, जैसे पूछा कि 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का समूह, इसमें कौन कौन हो जाएगा भाई, तो 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा 7 हो जाएगा 14 हो जाएगा 21 हो जाएगा और 42 हो गया। तो यही ना संख्याएं हैं जो भाई 42 को विभाजित कर सकती हैं, और तो कोई संख्याएं नहीं है। तो इसीलिए इन संख्याओं को अगर रोस्टर तरीके से बोलेगा तो कुछ नहीं करेंगे, जो जो अवयव हैं उसको डायरेक्टली मध्यम कोष्ठ में कॉमा दे दे करके लिख देंगे। उसी तरह से दूसरा एक और एग्जांपल है, देखिए ये आपका पहला एग्जांपल था, तो यानी इसको हम लोग लिख देते ए करके, ए करके एग्जांपल दे लिए। और उसी तरह से दूसरा एक और एग्जांपल है तो उसको हम लोग मान लिया बी करके लिख लिए। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लिया कि आपको दे रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में जितने भी स्वर होते हैं उन सभी का समुच्चय आपको क्या हो जाएगा। तो भाई आप खुदे देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन कौन से लेटर होते हैं, तो ए ई आई ओ यू, यानी इसको जब भी लिखेंगे तो मिडिल ब्रैकेट दे करके, यानी इस तरह से इसको एक साथ कर देते हैं, मिडिल ब्रैकेट दे करके इसके मतलब कि अंदर दे करके लिख देंगे इस तरह से ए ई आई ओ यू। और एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जो भी जो अवयव होगा वो हमेशा स्मॉलर लेटर में ही होगा, यानी उसको कैपिटल लेटर में हम लोग कभी नहीं लिखेंगे। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, दो चीज हमेशा मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखना है, कौन से विधि में भाई, तो रोस्टर वाले तरीके में कॉमा दे के लिखना है, मध्यम कोष्ठ के अंदर लिखना है और स्मॉलर लेटर में लिखना है, कभी भी कैपिटल लेटर का यूज नहीं करना है। अब उसका जो आता है, अब बोलिएगा सर चलिए ठीक है रोस्टर तो हमको समझ में आ गया, अब उसके बाद जो है समुच्चय निर्माण का जो तरीका है वो तरीका क्या है, मतलब समुच्चय निर्माण का तरीका। देखिए समुच्चय निर्माण का तरीका जैसे कि समुच्चय निर्माण के रूप में, तो समुच्चय निर्माण के रूप में आप देखिएगा तो जैसे क्या होता है, पिछला जैसे क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे ना, क्या था भाई यहाँ पे कि ये क्वेश्चन था कि 42 क्या वाला बोला था ना कि 42 को विभाजित करने वाली संख्याओं को कौन से तरीके से हमको लिखना था, हाँ रोस्टर तरीके से लिखना था। अब देखिए उसी वही क्वेश्चन को अगर आपको बोलेगा कि भाई नहीं आपको लिखना समुच्चय निर्माण तरीके से, तो कैसे लिखेंगे, देखिए समुच्चय निर्माण तरीके से उसी चीज को हमने कैसे लिखा, तो देखिए ऊपर में ये जो हमने लिखा है, देखिए इसको इधर कर देते हैं, हाँ तो देखिए ऐसे इसको कैसे लिखा हमने, तो इसको लिखा है कि x एक अवयव दे देंगे x, तो x है क्या भाई, तो x एक प्राकृत संख्या है जो 42 को क्या करता है विभाजित करता है, यानी हाँ ये तरीका जो हुआ ना
तो ये तरीका आपको कौन सा तरीका हो गया भाई, तो समुच्च निर्माण तरीका हो गया। यानी आपको क्वेश्चन देगा कि इसको रोस्टर के रूप में लिखिए, इसको लिखिए रोस्टर तरीके से लिखिए, तो रोस्टर तरीके में डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे कि भाई 2, 3, 1, 2, 5, 1, 3, 4, 6, 7, 21, 14, 42 जो भी था उसको मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। और लेकिन अगर बोलेगा समुच्च निर्माण के तरीका, तो मतलब हो गया सांकेतिक तरीका। सांकेतिक तरीका में क्या, तो भाई देखिए एक सेट का नाम दे देंगे सबसे पहले। तो सेट का नाम हमेशा, एक चीज हमने पहले तब से बोल रहे हैं कि जब भी हम लोग सेट का नाम देते हैं तो वो हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर में ही देते हैं, स्मॉलर लेटर में सेट का नाम हम लोग नहीं देते हैं। तो कैपिटल लेटर में हमने सेट का नाम दे दिया, उसके बाद एक चीज बराबर, ठीक है। अब उसके बाद हमने बोला था कि जब भी अवयव को लिखेंगे तो अवयव को हमेशा मध्यम कोष्ठ से लिखते हैं, मिडिल ब्रैकेट से लिखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमने जो भी लिखा तो वो मिडिल ब्रैकेट से लिखा। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो आता है, देखिए इसमें अवयव को नहीं लिखना है, अवयव को सांकेतिक रूप में व्यक्त करना है। तो सांकेतिक रूप में व्यक्त करना है तो कैसे व्यक्त करना है भाई, तो हमने देखा कि यहाँ पे एक अवयव का नाम हमने दे दिया एक्स। तो भाई ये एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे एग्जाम्पल एक ले लिया एक्स, कि एक्स एक अवयव है और एक्स की खासियत क्या है भाई, तो एक्स की खासियत ये है कि एक्स एक प्राकृत संख्या है जो 42 को विभाजित करती है। मतलब इसे क्लियर हो गया कि अब इसके 42 के विभाजित करने वाली सारी प्राकृत संख्याओं को बताता है। तो ऐसे हम लोग लेके समझेंगे। सबसे पहले करेंगे क्या, एक सबसे बड़ा जो होता है सेट का नाम दे देंगे। सेट का नाम देना है तो हमेशा एक चीज ध्यान रखें कि जब भी देंगे तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में देंगे। दूसरी बात, बराबर तो रहेगा ही सेट का नाम देने के बाद। उसके बाद अवयव को लिखना है, तो अवयव को लिखने का तरीका है मध्यम कोष्ठ। मध्यम कोष्ठ को तो लिखेंगे ही लिखेंगे। उसके बाद मान लिया कि अवयव जो है वो एक्स है, तो एक्स की खासियत क्या है, एक्स की खासियत यह है कि एक्स एक प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्या तो है ही, लेकिन साथ में क्या है, वो जो 42 को विभाजित करती है। यानी एक अवयव दे देंगे और अवयव की उस विशेषता बता देंगे जो कि क्वेश्चन में पूछा है ना। तो उसी को जैसे अब एक मान लो एक और एग्जांपल, हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला वाला मतलब स्वर वाला देख रहे थे कि वर्णमाला का समुच ए ई आई ओ यू, अगर ए ई आई ओ यू के बारे में लिखना होगा तो ठीक उसी तरह से देखिए यहाँ पे भी किया है। मान लिया सेट का नाम भावेल, भावेल मतलब भी, भावेल से रखा है, तो बराबर एक्स लिख दिया उसमें भी अवयव। तो एक्स के बारे में खासियत क्या है, तो एक्स के बारे में खासियत ये है कि एक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। मतलब सीधा सीधी एक्स के बारे में बता दिया कि भाई एक्स जो है क्या है भाई, तो अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तो मतलब क्या, अगर एक तरीके से इसे बात एक क्लियर हो जाता है, अगर सांकेतिक रूप से लिखना हो ठीक है तो उसको समुच्च निर्माण तरीके से लिखेंगे। अगर उसको व्यक्त करके लिखना है एलिमेंट बाय एलिमेंट, तब उसको हम लोग रोस्टर तरीके से लिखेंगे। यानी रोस्टर तरीका उसके प्रत्येक एलिमेंट यानी प्रत्येक अवयव को लिख करके बताता है, और समुच्च निर्माण तरीका एक अवयव को इंडिकेट करके एक्स का एक एग्जाम्पल लेकर के उसकी खासियत बता देता है। यही दोनों में अंतर हो गया आपको, समुच्च निर्माण तरीका और रोस्टर वाले तरीके में। ये तो हमेशा क्लियर हो गया। रोस्टर पहला देखे, क्या देखे, तो भाई उसमें जो अवयव होता है मध्यम कोष्ठ के अंदर में करके कॉमा दे करके लिख देते हैं, तो समुच्च निर्माण तरीका। ये क्या हो गया, एक सेट का नाम देंगे कौन से लेटर में, कैपिटल लेटर में, उसके बाद बराबर दे देंगे, उसके बाद मध्यम कोष्ठ देंगे, मध्यम कोष्ठ देने के बाद एक अपने मान लिया कोई अवयव एक्स है और एक्स के बारे में जो क्वेश्चन में पूछा है जो विशेषता है उस विशेषता को लिख देंगे। तो मतलब ये बेसिक तरीका हो गया आपको दो तरीके से बनाने का। मतलब किससे भाई, तो ये हो जाएगा आपको समुच्च निर्माण तरीका, या क्या हो जाएगा, रोस्टर वाले तरीका। अभी बेटा थोड़ा सा हम देते हैं 10 मिनट का जो हो जाता ना है, देखिए 10 मिनट का इधर समय दे देंगे, फिर से हम ज्वाइन करेंगे, हम क्वेश्चन आपको सामने शेयर कर देते हैं, क्वेश्चन शेयर कर देंगे 10 मिनट में, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने हमें अपने जो व्हाट्सएप वाले ग्रुप में है, देखते हैं कौन जवाब दे देता है, वो सॉल्यूशन हमको देख लीजिएगा। जो अभी तक हम जितना भी बताए हैं, जो बताए हैं उसी आधारित तो वो क्वेश्चन होगा। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि 40 मिनट के बाद जो होता है वो
आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है, जो भी होता है 40 मिनट के बाद ज्वाइन होता है। तो हमने इस 40 मिनट को कैसे यूज करना उचित समझा, इसको यूज करने के लिए हमने सोचा कि भाई क्यों ना इसके अंदर एक क्वेश्चन दे दे, बच्चा है आराम से बना देगा, आराम से बनाएगा, उसके बाद हमें सबमिट कर देगा, यहाँ पे ग्रुप में डाल देगा फोटो खींच करके, तो फिर अगले वाले में हम पहुंच जाएंगे। तो वही चीज को हम ले करके भी करते हैं। देखो बेटा 10 मिनट के बाद तो डिस्कनेक्ट होगा ही, तो अभी क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन जो है आपके सामने उसको हम दे दिखा देते हैं। ये कुणाल सब बना दिया था, क्योंकि कुणाल बहुत समझदार और बहुत अच्छा बच्चा है। कुणाल जो था वो हमको याद है, बाकी कोई नहीं बनाया था सिवाय कुणाल को छोड़ करके। तो कुणाल जो था ना वो सारा बना दिया था, लेकिन कुणाल बना तो दिए थे तुम, लेकिन उसको क्या करना है। देखो अमन भी जा रहा है आ रहा है, बना तो तुम दिए थे, लेकिन अभी क्या करना है, अभी ये करना है कि सारे का मतलब कि आपको जो भी है मतलब कि ये एक साथ कॉपी में एक साथ लिख करके बनाना है, एक साथ करके हमको दिखाना है, अभी वाले का जो दिख रहा है सामने में आपको। जो सामने जो स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है दिख रहा है आपको, इसको हम क्या करते हैं भाई, इसको हम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देते हैं। या तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो भी चलेगा, और नहीं तो इसको क्या करेंगे हम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे तो भी चलेगा। तो जो तरीका आपको सही लगे उस तरीके के हिसाब से इसको हम कर देते हैं। रुकिए थोड़ा इसको सेट कर देते हैं। लाइट ना है सर, अभी नहीं बनेगा। हाँ बनेगा, लाइट ना है, मार्केट तरफ भी निकले हुए, मार्केट तरफ भी निकले हुए सर। अभी मार्केट में पड़ रहा, तुम मार्केट में पढ़ रहा है दुकान में? ना ना ऐसे पढ़ाई नहीं होता है, तब ऐसे इस तरह से पढ़ाई तब नहीं होता है, तब आपको ये करना पड़ेगा बाबू, तब मतलब कि आपको जो लिख है ना वो कॉपी कलम लेके चलना पड़ेगा। जब तक कॉपी कलम आप लेके नहीं चलिएगा ना तब तक नहीं सही रहेगा। जब तक दुकान आप में है। हाँ अब बरसा भी, पानी भी हो रहा है, कैसे जाएगा? तुम भी बदमाशी का काम हुआ। देखो बेटा जिसको अगर बनाना है ठीक है, वो क्या करेगा भाई यहीं से वो स्क्रीनशॉट ले लेगा, ठीक है स्क्रीनशॉट हम बना के भेज देंगे, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हाँ यहाँ से स्क्रीनशॉट तुम ले लो, 5 मिनट में ये थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाएगा है ना, तो 5 मिनट में डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो आपको लिखना है। देखो औचित्य बनाइए, एक पूर्णांक का है उसको इतना है, सबको क्या लिखना है भाई, तो ये जो क्वेश्चन है इसको रोस्टर के रूप में लिखना है, पहले वाले को रोस्टर के रूप में लिखना है, और जो क्वेश्चन है अभी ग्रुप में हम सेंड कर देते हैं ठीक है, इसी आधार पे तो ग्रुप में हम सेंड कर देते हैं, और थोड़ा सा हमको क्वेश्चन जो है बना के इसको हम ग्रुप में ऐसे भी सेंड कर देते हैं, थोड़ा सा 10 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट होगा, 10 मिनट में इसको बना के हमें सेंड करिए आप, और उसको तब उसके बाद आगे हम थोड़ा देर के बाद कंटिन्यू करते हैं। तो अभी इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, क्योंकि अभी जो है ना अभी आपका डिस्कनेक्ट ऑटोमेटिकली होगा, तो फिर से एक बार आपको थोड़ा सा इंटरवल के बाद आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो अभी इसको डिस्कनेक्ट करते हैं सर। सर डिस्कनेक्ट कर देना, सॉरी सुरेश सर, सॉरी सर, सर बच्चा वो कहीं चले गए, आप लोग लिख लीजिए है ना, लिख तो लिए होंगे, अब डिस्कनेक्ट करते हैं, थोड़ा देर के बाद फिर ज्वाइन करिएगा आप लोग। चलिए अभी रुक, अब उसका स्क्रीनशॉट ले लियोगे तो बनाइए, नहीं तो उसका फिर से कॉपी हम भेज दे रहे हैं ग्रुप में, एक और जाएगा आपको कॉपी, देखते हैं एक कॉपी भेजते हैं इसको। देखिए अभी देखिए पांचवा जो है ये पास नंबर, देखिए पास नंबर ए में मौजूद है ना, तो इसी को हम लोग कहेंगे 5 एप्सिलॉन ए। आठवां नंबर, आठवां नंबर ए में तो मौजूद नहीं है ना, तो 8 नॉट एप्सिलॉन ए। देखिए जीरो नंबर, जीरो जीरो आपका ए में तो मौजूद नहीं है ना, तो जीरो नॉट एप्सिलॉन। हाँ चौथा नंबर, चौथा नंबर ए में तो मौजूद है ना, तो 4 एप्सिलॉन ए। दूसरा नंबर ए में तो मौजूद है ना, तो 2, इसीलिए 2 एप्सिलॉन ए। और दसवां वाला, दसवां वाला ए में मौजूद नहीं ना है, तो 10 नॉट एप्सिलॉन ए, नॉट एप्सिलॉन। हाँ तो ये ऐसे लेकर के हम लोग चीजों को बनाएंगे। हाँ तो इस तरीके से जो आप बोल रहे थे ना बेटा कि सर ये वाला जो है, ये वाला क्या है सर, कैसे है सर, तो वो जो 6 क्वेश्चन है, बाकी चौथा पांचवा छठा बना था बेटा, चौथा पांचवा छठा नहीं सर। देखो बेटा एक चौथा पांचवा छठा के लिए देखिए हमने ग्रुप में भेजा था और बच्चे ने बना करके हमें दिखाया भी है। देखिए देखिए सामने जो है चौथा पांचवा छठा। हाँ सर, हाँ हाँ सर बना हुआ। हाँ देखिए किसी ने, किन्हीं ने बनाया था ये, किनका कॉपी है बेटा, किन्होंने बनाया था ये,
जो भी बनाया सर मेरा। अच्छा बेटा बहुत अच्छा है, देखिए अनुराधा का है और कुणाल भी बना ही दिया होगा, हम भी जानते हैं। देखो बेटा अब सामने हम समझाते हैं चौथा नंबर से जो दिख रहा है। देखो चौथा नंबर जो आप क्वेश्चन आप देखिएगा, चौथा नंबर में आपको जो क्वेश्चन हम भेजे थे, देखिए चौथा नंबर में भेजे थे कि 3, 6, 9 और 12 इसको किस तरीका से लिखना था भाई, तो इसको लिखना था समुच निर्माण के तरीका से, यही ना लिखना था। देखिए हाँ सर, चौथा नंबर को तो ऐसे ही लिखना था, एक मिनट। हाँ सर। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ था ना आपको, हाँ तो देखिए अब देखिएगा कि चौथा 3, 6, 9 और 12 है ना, तो 3, 6, 9 और 12 जो है वो कहीं ना कहीं 3 का तो गुणनफल ही है, 3 × n यही ना है, 3, 6, 9 और 12 कहीं ना कहीं 3, 6, 9 और 12 किसका गुणनफल है भाई, तो 3 का गुणनफल है। हाँ इसीलिए इन्होंने लिखा 3 × n, देखिएगा 3 × n इसीलिए इन्होंने यहाँ पे लिखा है 3 × n, मतलब n क्या हो गया भाई, n एक प्राकृत संख्या है जहाँ पे n का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि अगर n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 × 1 तो 3 ही हो जाएगा जो अवयव है, n का वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा जो कि अवयव है, n का वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 × 9 हो जाएगा जो कि अवयव है, n का वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 × 12 हो जाएगा जो कि उस ग्रुप का अवयव हो जा रहा है। अब 12 के आगे कोई संख्या भी नहीं है तो हम इसीलिए ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक गए हैं, तो ये हम गए हैं 4 तक, सही है। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16 और 32 यही ना अगला क्वेश्चन है, तो 2, 4, 8, 16 हाँ, तो 2, 4, 8, 16, 32 देखो तो बेटा ये भी सब देखो 2 का गुणनफल 2 का पावर में आता है, देखो 2 का पावर 1 दो ही होता है, 2 का पावर 2 क्या होता है 4 होता है, 2 का पावर 3 घात जिसको कहते हैं 2 का घात 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 का पावर 4 क्या हो जाता है 16 हो जाता है, और 2 का पावर 5 कितना होता है 32 होता है, तो देखो हाँ तो इसी तरह से इसको इन्होंने भी लिखा है, ए एक सेट का नाम दे दिया जहाँ पे कोई अवयव एक्स है और एक्स के बारे में क्या खासियत है भाई, तो एक्स किस तरह से है तो 2 का पावर n जहाँ पे n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 5 ये लिखा हुआ है, तो यानी n का मान 1 से बड़ा और बराबर और 5 से क्या हो सकता है छोटा हो सकता है, आप देख रहे हैं ना कि 1 से 1 और 5 इसी के बीच में है ना, तो इसीलिए यहाँ पे कंडीशन भी लगा दी। और ये एक बेटा और इसमें छूट गया है लाइन, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, जैसे उसमें लिखा हुआ है ना यहाँ पे n एक प्राकृत संख्या है, तो यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे कि n एक प्राकृत संख्या है जहाँ पे n का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू आपका क्या होना चाहिए तो 5 होना चाहिए, क्लियर है, तो ये चीज आ जाती है। अब देखो बेटा जो तीसरा नंबर, हाँ तीसरा नंबर है, देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन में कौन कौन दिख रहा है, 5, 25, 125, 625 तो जहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5, 25, 125, 625 सभी 5 का पावर के रूप में है, हाँ 5 का पावर 1 देखिएगा तो 5 हो जाएगा, 5 का पावर 2 देखिएगा तो 25 हो जाएगा, 5 का पावर 3 देखिएगा तो 125 हो जाएगा, और 5 का पावर 4 देखिएगा तो कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। इसी तरह से इन्होंने पावर में जो n रखा है, n का मान किसके बीच के बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 4, अनुराधा यहाँ पे x नहीं लिखना है, यहाँ पे n लिख देना, ताकि आप n के बारे में कंडीशन बता रहे हैं ना, ये जो पावर है इसी पावर के बारे का कंडीशन हम लोग बता रहे हैं, यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, ये कंडीशन ध्यान दीजिएगा। अब अगला जो देखिएगा बेटा, अगला जो चौथा नंबर क्या है, 2, 4, 6 ये अनंत बढ़ते गया है, तो देखिएगा 2, 4, 6 अनंत बढ़ते गया है, तो देखिए 2, 4, 6 सभी 2 का ही गुणनफल है, तो इसीलिए हम लोग सेट का नाम ए दे दिए जहाँ पे ए का कोई अवयव एक्स है और एक्स के बारे में क्या है भाई, एक्स बराबर 2 × n एक्स बराबर हो जाएगा आपका 2 × n,
एन जहाँ पे एक आपका प्राकृत संख्याओं का संग्रह है, बहुत सुंदर लिखे हैं। और एक और चीज लेकिन बेटा छोड़ दिए हैं आप, यहाँ पे देना चाहिए था कि एन प्राकृत संख्या, नहीं ना सही है ठीक है, यानी एन आप साइलेंट एन दीजिए चाहे पूरा लिख दीजिए तो कोई बात अंतर नहीं है, वही बात हो जाएगी। सही है बेटा ये वाला सही है, क्योंकि एन बात समझ रहे हैं ना क्या आपका सुधांशु जी, सुधांशु समझ रहे हैं बात को, सुधांशु हाँ एन का वैल्यू क्या रखेंगे, कोई प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या एक दो तीन चार पांच छह सात आठ अनंत तक बढ़ते गया, यही ना एन का मान होगा। तो देखिए तो अगर एन का मान सबसे छोटा वन रखेंगे तो दो गुना वन तो दो, ये देखिए अवयव है ना, एन का मान यदि आप दो रखें तो दो गुना दो क्या हो गया चार, ये भी एक अवयव है। एन का मान यदि तीन रखें हाँ तो दो तिहाई कितना हो गया छह, ये भी एक अवयव है। तो इसी तरह से ना एन आपका बढ़ते चला गया है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे एक्स एक्स बराबर हाँ इस तरह से लिख देंगे हम लोग। तो अनुराधा इसको लिखना एक्स, इसको डॉट लिखने की हो एक्स बराबर दो गुना एन, जैसे ये आप लिखे हैं ना इस तरीके से, तो यहाँ पे इनको ऐसे लिखना चाहिए था एक्स डॉट एक्स बराबर दो गुना। यस सर ठीक है। अब अगला पांचवा नंबर जो देख रहे हैं तो देखिए एक चार नौ सौ तक बढ़ते गया, ये ना क्वेश्चन है, तो ये भी बहुत सुंदर लिखे हैं। एन हाँ एन अपसाइलन एन देना चाहिए था कैपिटल एन यहाँ पे बेटा, इसी यही चीज में आपको नंबर मार्किंग होगा। देखो एक्स देखिए इसमें भी सेट का नाम ए दे दिए, ए बराबर क्या हो जाएगा एक्स को अवयव है, जहाँ पे एक्स बराबर क्या है भाई एन का स्क्वायर, हाँ एन के सब स्क्वायर है ना है, जहाँ पे एन का मान हाँ वन से छोटा और बराबर और दस से छोटा और वन से बड़ा और बराबर और दस से छोटा या बराबर है। जैसे देखा जाए तो वन का स्क्वायर वन, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर नौ, ऐसे ही ना सब चल रहा है, चार का स्क्वायर सोलह, पांच का स्क्वायर पच्चीस, तो दस का स्क्वायर कितना हो गया तो सौ, इस तरीका से हम करते हैं। ये तरीका तो आपका समझ में आ ही रहा होगा कि दस से छोटा और एक से बड़ा, यही कोई ना कोई एन का मान हम लोग रखेंगे। हाँ सर सही है। अब आते हैं पांचवा वाले में, देखिए पांचवा वाले में क्या कहता है, देखिएगा पांचवा जो है ना, अब देखिए हम बोले थे कि या तो आपको रोस्टर रूप में देगा तो समुच्च निर्माण लिखना है, या समुच्च निर्माण दे देगा तो रोस्टर के रूप में लिखना है। जैसे पांचवा का हम पहला नंबर देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोलता है कि ए एक सेट है समुच्चय है जहाँ पे एक्स क्या बोलता है विषम प्राकृत संख्या है, सम नहीं है क्या है विषम है, तो विषम प्राकृत संख्या एक तीन पांच सात नौ ग्यारह तेरह हाँ यही बढ़ते चला जाएगा। सही है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो उसी तरह से आप देखिए बी नंबर में एक्स का एक पूर्णांक है जहाँ पे x के बारे में क्या बोलता है माइनस वन बाई टू और लेस देन नाइन बाई टू, माइनस वन बाई टू कहने का मतलब क्या होता है माइनस जीरो दशमलव पांच और नौ बाई टू कहने का मतलब क्या चार दशमलव पांच, मतलब क्या माइनस जीरो दशमलव पांच से बड़ा और चार दशमलव पांच से क्या हो छोटा हो, तो छोटा हाँ तो पूर्णांक है ना, तो उसको मतलब डिजिट के रूप में लिखना होगा, पूर्ण अंक के रूप में लिखना होगा, दशमलव के रूप में नहीं लिखना होगा। तो उसको कैसे कैसे लिख सकते हैं भाई, तो लिख सकते हैं हम लोग जीरो एक दो तीन और क्या दे सकते हैं चार, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते, चार दशमलव पांच हाँ तो इसी के बीच में। अब देखिए सी नंबर जो आपको दे रहा था, सी नंबर क्या था भाई, सी नंबर जो क्वेश्चन है, अब जो सी अगला जो है सी नंबर है ना आपका, तो देखिएगा सी नंबर एक स्क्वायर से बड़ा और चार से छोटा हाँ, तो देखिए तो कंडीशन समझ में आ रहा है सामने, देखिए बहुत बच्चे देखिए सी नंबर में एक से पूर्णांक है जिसका स्क्वायर करने पर चार से छोटा होता हो, देखो बाबू सी नंबर देखो माइनस भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं बोला है कि धन पूर्णांक हो, बात समझ रहे हैं ना हाँ, लेकिन एक से पूर्णांक बोला है जिसका वर्ग करने पर चार से क्या हो छोटा हो, जैसे वन का स्क्वायर तो वन ही ना होता है, दो का स्क्वायर क्या होता है चार, माइनस वन भी हो सकता है माइनस टू भी हो सकता है। अब आगे देखिए क्वेश्चन देखिए डी नंबर में देखिए चौथा वाला डी नंबर देखिए एक्स क्या है, एक्स के बारे में क्या बोलता है लॉयल शब्द का एक अक्षर है, देखो बेटा लॉयल एल दो जगह रिपीट नहीं करेंगे, एक जगह एल आपने लिख दिया ना तो बस
एक ही जगह एल लिखेंगे, सब सुधार करके भेजिएगा, जहाँ पे रफ बनाइएगा ना तो सुधार करके लिखिएगा। देखिए लॉयल का बेटा कौन कौन अक्षर हो सकता है, एल ओ वाई ए एल, तो देखो एल तो है ही, ओ तो है ही, वाई तो है ही, ए तो है ही। अच्छा बेटा एल तो आप पहले यहाँ पे लिख दिए है ना, तो एल दोबारा हम लोग नहीं लिखेंगे। हाँ सर, हाँ बात समझ रहे हैं, क्योंकि जब एक बार लिख ही दिए तो चार बार काहे लिखेंगे एक ही वर्ड को, एक ही शब्द को, है कि नहीं है, इसी हाँ ये नहीं लिखेंगे हम। इसमें डबल रहेगा तो इसमें एक ही लिखेंगे सर, एक ही लिखेंगे, काहे कि एक बार पहले लिखा गया है ना, तो दोबारा पुनरावृत्ति हाँ। नहीं करेंगे। अच्छा समझ में आ गया। चलिए अब हाँ अगला क्वेश्चन देखते, ई नंबर। ई नंबर क्या कहता है, एक्स जो है वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, जिसका मतलब क्या कि वो महीना बताइए जिसमें या तो 28 दिन है या तो 30 दिन है, 31 दिन नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना, कि या तो 28 या तो 30। हाँ तो ऐसा ऐसा कौन कौन महीना है भाई, तो वही लिखी है इन्होंने, फरवरी है, अप्रैल है, जून है, सितंबर है, नवंबर है। आप अपने हिसाब से भी देख करके लिख सकते हैं कि ऐसा कौन कौन महीना जिसमें या तो 28 आता हो या तो 30 आता हो, तो यही सब महीना है साल भर में। शायद आप भी अपना देख करके मिला लीजिएगा, जो जो महीना आएगा वो ऐसे ऐसे करके अपना लिख लीजिएगा, और लिख करके हमको कॉपी सेंड कर दीजिएगा। बात समझ रहे हैं ना, अपना फोटो खींच करके, जो जो ऐसा ऐसा महीना आएगा जिसमें कि 28 दिन या तो 30 दिन होता हो, तो उसको इसी तरीके से करके लिख देंगे। सही है बेटा। चलिए हाँ सर, अब उसके बाद अगला देखिए, एफ के बारे में क्या बोलता है कि एफ के बारे में, एक्स जो है अंग्रेजी वर्णमाला का एक ऐसा व्यंजन है जो के से पहले आता है। देखो बेटा ये स्वर नहीं बोला है, क्या बोला है, व्यंजन बोला है, यानी स्वर नहीं लेंगे, जो एक्स के पहले के पहले आता हो वो सब व्यंजन का नाम लिखना है। तो देखो बेटा के से पहले आने वाला व्यंजन कौन कौन है, बी है, सी है, डी है, एफ है, जी है, एच है और जे है। देखिए ए नहीं लेंगे, ई नहीं लेंगे, आई नहीं लेंगे, ओ नहीं लेंगे, क्योंकि स्वर नहीं लेना है, सिर्फ क्या लेना है, व्यंजन लेना है, और वो भी किससे पहले आने वाला, के से पहले आने वाला, के से पहले आने वाला। सही है, हाँ सर समझ गए। हाँ अब देखो बेटा, अब उसी तरह से छठा नंबर जो बोला है, बाएं और दाएं दोनों तरीके से मिलान किया है, तो बाएं और दाएं दोनों तरीके से मिलान किया है। देखो बेटा इनका तो दिखा हुआ है ऐसे ऐसे मिलान, आप भी जो है ना अपने तरीके से मिलान करिएगा, और मिलान कर करके हमें भेज दीजिएगा। हिंट्स के लिए सामने लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल खाली लीजिएगा कि सही किए हैं कि गलत किए हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं ना, तो कर करके ठीक है, और बाकी फिर देखते हैं आपका अगले वाले क्लास में। क्या यहाँ तक तो समझ में आ गया है, और यहीं तक कोशिश बनाने का, जो दिक्कत होगा वो हमसे पूछ लीजिएगा। पहला और तीसरा तो ऐसे भी हम कर ही दिए थे, हाँ सर ठीक है, तो पहला और तीसरा उसी तरीके से है, और सामने तो बना हुआ है ही, तो अभी हम जो पढ़ाए हैं जो हिंदी में लिखे हुए थे वो आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे, और व्हाट्सएप पे सेंड कर देने के बाद उसको अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा, और जो क्वेश्चन भेजे हैं उन सभी क्वेश्चन को लिख करके सॉल्यूशन के साथ बना लीजिएगा। क्या सही है क्या बेटा आप लोग, हाँ भेज देते हैं उस कॉपी को, आप लोग लिख लीजिएगा, बोर्ड पे हम नहीं लिखवा रहे, वो जो है आपको भेज देते हैं, ग्रुप में चल जाएगा, ये नहीं कि उसको छोड़ देना है कि ओ चलो सॉफ्ट कॉपी है, नहीं, हिंदी में हम जानबूझकर लिखे हैं ताकि आप उस चीज को लिख लीजिएगा। सही है, हाँ सर लिख लेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सामने में जो हम पढ़ा रहे थे, एग्जाम्पल ले लेकर के, ये वाला कॉपी, ये जो कॉपी आपको दिख रहा था ना, ये वाला कॉपी, ये कॉपी, इसको अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा, ताकि नहीं तो फिर भुला जाइएगा, नहीं तो सेंड कर दीजिएगा, लिख लेंगे, सेंड कर देंगे, जैसे जैसे लिखा हुआ वैसे वैसे लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, और जो 6 क्वेश्चन है उतार करके बना लीजिएगा। तो ये आज के दिन का काम हुआ आपका, ठीक है, और उसके आगे जो रहेगा वो अगले वाले क्लास में हम लोग देखेंगे। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, अभी एंड कर दें ना। हाँ सर, हाँ चलिए, क्या बेटा एंड कर दें, यस सर, हाँ तो चलो ठीक है। अभी बेटा अभी तक लिखा हुआ आप लोग के पास भी कुछ नोट्स वगैरह नहीं था, तो इसको सेंड कर देते हैं, आप लोग भी जा करके इसको नोट्स करके लिख लीजिएगा, है ना, जो भी आपका नोट्स है। अब उसके बाद जो आपका यहाँ पे आते हैं देखिए, और उसके बाद इसको हम मीटिंग को एंड कर देते हैं, यहाँ से जो है
स्टॉप शेयर इन बटन करो। चलिए ठीक है बेटा, गुड।